अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज है 12 रोज़ा और आज आ गई थी मार्केट, तो काफ़ी गहमा गहमी है। ईद का पूरा मार्केटिंग सब लोगों का स्टार्ट है और काफ़ी भीड़ थी क्योंकि अब कल परसों होली भी है ना, तो होली का भी और ईद का भी दोनों मिलके बहुत ज़्यादा ही भीड़ था मार्केट में। और आ गई थी अपनी दुकान पे और कुछ सूट का काम था, बस वही करना था। के बाद मैं आ गई थी घर पे, तो यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर करी रोज़ फेसियल। तो देखिए, आपके घर में फूल होगा या फिर कहीं से भी फूल मंगा लीजिएगा रोज़ का, बहुत ही इफ़ेक्टिव। और आपके स्किन पे जो भी ना डार्क ये है स्पॉट्स होता है, रिंकल्स आने लगते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक रिफ्रेशिंग सब फेसियल है। बस 2 स्टेप का फेसियल है लेकिन ये बहुत असरदार है। आप हफ्ते में एक बार करेंगे ना तो जितना आपकी स्किन तो एक ग्लो करेगी। और जानते ही हैं रोज़ वाटर जो होता है उससे जो हमारे सारे पोर भरने लगते हैं, एकदम फ्रेश सा आपका स्किन हो जाता है। तो बस कोई भी कलर का आप रोज़ ले सकते हैं और 2 या 3 भी हो, ये 2 फूल भी हो ना तो उससे आपका काम चल जाएगा। बस इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा रोज़ वाटर डे के। तो ये मेरा कम था तो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बन पाया और बस हमें इसका 2 स्टेप करना है। तो पहले में मैंने यहाँ आधा स्पून ले लिया है चावल का आटा और उसमें बस आधा डाल के मिला दूंगी, तो ये हमारा बन जाएगा स्कर्ब। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही स्मूथ सा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना चावल का जो आप थोड़ा सा लेके पीस लीजिएगा और उसको छान लीजिएगा, तो इसमें थोड़ा भी ना मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए। और बस इससे ना हमें 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। और ये दूसरा जो मैं बना रही हूँ, जो बाकी पेस्ट बचा था ना, उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस क्रीम जो होता है ना दूध के ऊपर का, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो ये हमारा क्रीम बन जाएगा। और दोनों चीज़ों को बस हमें वन मसाज करना पहले स्क्रब से। सबसे पहले जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उसे फेस को वॉश कर लेना, और जो हमने पहले चावल के आटा वाला जो बनाया था ना स्क्रब, उससे अच्छे से पूरे फेस पे जो है ना सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है 4 से 5 मिनट तक, और ये बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो आ जाएगा। और उसके बाद हमें फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद जो हमने मलाई के साथ मलाया था ना क्रीम, उससे हमें 5 मिनट मिनिमम जो है ना मसाज करना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए, कोई भी DIY करते हैं ना तो उसमें उसका स्मेल हमें अच्छा नहीं लगता ना, बेसन और दही वगैरह का, लेकिन इसका जो एरोमा होता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये रोज़ है और बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग सा लगेगा। आपको ये यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा 1 हफ्ते में, और ज़्यादा हो तो आप इसे बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग यहाँ अफ्तारी की तैयारी करने आए हैं और ये है बना रही हूँ मैं स्प्रिंग रोल। तो यहाँ मैंने कैरेट का, एक कैरेट को मैंने पतले पतले इसकी कटिंग करने नहीं होती है, और ये कैप्सिकम भी एक मैंने काट लिया था आधा। उसके बाद ये कैबेज थोड़ा सा था उसे भी हम काट लेंगे। तो जितना भी आपको बनाना हो बस उसमें सब्जियां ज़्यादा जाती है, और मैंने पहले ही बोनलेस चिकन का थोड़ा सा ना बॉयल करके उसे अच्छे से रेसे रेसे में काट लिया था, मतलब रेसा बना लिया था चिकन का नमक डाल के। फिर हमें एक पैन में ऑयल गरम कर लेना है, पहले इसमें ना लहसुन को फ्राई कर लेना है, और उसके बाद उसमें डाल देना है हरी मिर्ची, एक प्याज लेना है और उसे भी हल्का सा फ्राई करना है, कोई गोल्डन ब्राउन वगैरह हमें फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करके जितना भी हमने वेजिटेबल काटा है ना इसमें हम डाल देंगे। और सारा चीज़ हमें हाई फ्लेम पर करना है। कुछ स्पाइसेस डालेंगे और ये देखिए मैंने चिकन डाला हुआ था ना बॉयल किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं डाल ली हूँ लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे क्योंकि हमने वेजिटेबल इसमें ऐड किया है, ध्यान से डालिएगा क्योंकि चिकन में पहले से ही था सॉल्ट। और फिर यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर और सॉसेज जो है जो भी आपके पास हो। तो यहाँ मैंने सोया सॉस डाल दिया, चिल्ली सॉस डाला है, रेड चिल्ली सॉस डाला है, और थोड़ा सा केचप भी ऐड कर दिया है। और बस हमें इसे बहुत हाई फ्लेम पे से अच्छे से स्टर कर देना, और देखिए इसको सब्ज़ी को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गलाना पकाना नहीं है, बस इस तरह से बस हल्का सा बस इसे चला देंगे, और ये बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ना ग्लू बना लेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा में ना थोड़ा सा बस इसे पानी डाल के बस गाढ़ा ही सही से बनाना है, बस ये चिपकाने का काम करेगा। तो मेरे पास वो सीट नहीं है ना स्प्रिंग रोल का, तो घर ही में बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने डो तैयार कर लिया था, हल्का सा मैदा में नमक और हल्का सा ऑयल देके, और बस इसे जितना मिनिमम पतला हो आप बेल लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा चपाती टाइप का मैंने बेल लिया है, बीच में डाल दिया है, और बस दोनों तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, और बस इसे रोल की तरह लपेट देना है, और ये हो गया। और फिर लास्ट में हमने जो ग्लू बनाया था वो इसमें इस तरह से लगा के चिपका देना है,
तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इसमें से बिल्कुल भी अंदर का फिलिंग नहीं निकलेगा। तो ये बस मैंने तैयार कर लिया इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल, और बस इसे ऑयल गरम करके है ना इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना होता है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा शीट हो जाता है ना। तो अच्छे से ये 5 मिनट में आपका दोनों तरफ से ये फ्राई हो जाता है। तो बिल्कुल जो मार्केट में बनता है ना, इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है हमारा स्प्रिंग रोल। बस मैंने आज इसे बस सॉस के साथ सर्व कर लिया, और आज मैंने बनाया था वो जो मटर का होता है ना चाट, वो बनाया था। तो ये मटर को हमें रात भर भिगो के रखना है, क्योंकि इसे अच्छे से फूलना चाहिए। और इसमें मैंने 3 आलू डाल दिया था, 3 या छोटे छोटे, और उसके हाफ कट करके, और इसमें नमक दे के ना हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये तो कुक जल्दी हो जाता है, लेकिन इसे है ना भिगो के अच्छे से रखिएगा। अगर आपने दिन में रखा है तो गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दीजिएगा, और बस इसे पूरा गला लेना। और देखिए जब ये गल जाए अच्छे से, तो हमें आलू को अलग से निकाल के उसको अच्छे से मैश कर लेना है। आलू को ध्यान रखना है कि मटर अच्छा से फूला हुआ हो, तभी ये अच्छा से बन पाएगा। और ये फिर सीटी, बस 4 सीटी में ही गल जाता है, इसे ज़्यादा नहीं गलाना पड़ता। और कुछ यहाँ मैंने स्पाइसेस लिए हैं चटपट बनाने के लिए, तो यहाँ 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टी स्पून मैंने जीरा पाउडर, और आधा ही टी स्पून मैंने हल्दी लिया है। और फिर अब हम इससे तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल ले लेंगे अच्छे से, और इसमें डालेंगे जीरा, और 1 प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, अभी एक मीडियम साइज़ का था ना ऑमलेट कट करके, इसे प्याज डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ ना इसे हमें ज़्यादा फ्राई वगैरह नहीं करना, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, तो इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, तो ताकि इसका ना रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे जो हमने पाउडर मसाला बनाया था। अगर आपके पास ना छोला मसाला हो ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो इससे वो और भी टेस्टी बनेगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी देके मैंने इसे अच्छे से मसाला को यहाँ पे हमारी भुनाई कर लेनी है। और जब ये अच्छे से मसाला भुन जाए, तब हमने इसमें मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे, और उसको भी मसाला के साथ हम 1 से 2 मिनट भून देंगे। अच्छे से आलू के साथ पूरा मसाला लिपट जाएगा ना, तब हमने जो बॉयल किया हुआ है मटर वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी अच्छे से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, ताकि सारा चीज़ जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। और अब हम इसके साथ डालेंगे जो हमने धनिया चटनी, 2 टीस्पून इसमें धनिया की चटनी डालेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टीस्पून ना इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये दोनों चटनी जाते ही इसका ये टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, बिल्कुल चटपटा हो जाता है। कोई भी आप चना चाट वगैरह बनाए ना, तो इसमें ये 2 चटनी थोड़ा सा भी ऐड कर देंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसके बाद ये पूरा बॉयल आ गया था, तो मैंने बस धनिया पत्ती डाल दिया है, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये थोड़ा देर बाद खुद ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ये आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद ही खुद ही सूख जाएगा। और ये देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ, तो बस मैं ये निकाल दिया था, और इसके ऊपर आप प्याज आमलेट कट किया हुआ, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सारे चीज़ को मैं डाल दूँगी, और जुलियन कटा हुआ अदरक, और चाहे तो इसके ऊपर से थोड़ा सा है ना चाट मसाला और या ज़ीरा पाउडर भी इस पे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने बहुत सारे इसमें मसाला पहले ही ऐड कर दिया है। और ये हमारा बिल्कुल जो मार्केट में बनता मिलता है ना छोला चाट, मटर चाट, बिल्कुल वही बन के रेडी हो जाता है। और रोज़ अलग अलग तरह का बनाने से ना अच्छा लगता है। अब हम लोग का अफ्तार का टाइम भी हो गया था, तो बस हम लोग यहाँ अफ्तार करने बैठ गए हैं। और बस ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।